आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का एक चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक नेशन को चलाने के लिए लॉज की क्यों ज़रूरत पड़ती है, लॉ बनाने के रूल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें जो पर्सन खड़ा हुआ है वो बोल रहा है कि तुम अपनी कार यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हो, ये मेरा पार्किंग स्लॉट है। तो जो पर्सन कार में बैठा हुआ है वो बोलता है, मैं भी इस अपार्टमेंट का रेसिडेंट हूँ या फिर रहने वाला हूँ, मैं अपनी कार कहीं पे भी पार्क कर सकता हूँ यहाँ अपार्टमेंट में, आखिरकार मैंने भी पार्किंग की फ़ीस दी है। अब तीसरा पर्सन जो अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहा है वो बोलता है कि इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया। ये दूसरे दिन की पिक्चर है जब अपार्टमेंट के सारे रेसिडेंट्स ने एक मीटिंग बुलाई जहाँ पर ये बात हो रही है कि हमारे अपार्टमेंट में पार्किंग को लेकर लड़ाई होती रहती है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें पार्किंग के कुछ रूल्स बना देने चाहिए। और फिर बाकी सब लोगों से पूछता है कि आप लोगों की क्या राय है। अब आपको ये तीसरी पिक्चर दिख रही है जो लॉन्ग डिस्कशन के बाद सभी रेसिडेंट्स ने डिसाइड किया है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे पार्किंग स्पेस को लेकर हमारे अपार्टमेंट में। आपको यहाँ पर सोसाइटी के रूल्स दिख रहे होंगे पार्किंग से रिलेटेड। तो इस छोटी सी स्टोरी से आपको ये समझ आ गया होगा कि बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के समस्याएं बढ़ती हैं, और समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए ही हमें रूल्स और रेगुलेशन बनाने होते हैं। अगर हम फुटबॉल गेम की बात करें तो प्लेयर्स को खेलने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो अच्छे से खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से हमारी कंट्री को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि कंट्री में लोग डिसिप्लिन्ड रहें। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, नीड फॉर लॉज। जिस तरह से रोड पर वॉक करने के लिए या फिर ड्राइव करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, उसी तरह से एक नेशन को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ कंट्री बोलते हैं। इन लॉज का मेन पर्पस मिसमैनेज सिचुएशन को अवॉइड करना होता है और सभी को जस्टिस दिलाना होता है। जब सोसाइटी को ज़रूरत होती है तब लॉज बनाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 दिख रहा होगा। हमारी कंट्री में बहुत सालों से डाउरी देने और लेने की प्रैक्टिस बहुत सालों से चली आ रही है। डाउरी मीन्स होता है दहेज, जो लड़की की शादी के टाइम उसके पेरेंट्स एज अ गिफ्ट देते हैं। अगर ब्राइड डाउरी नहीं दे पाती है तो कुछ केसेस में उसे ह्यूमिलेट करा जाता है और कहीं कहीं टॉर्चर भी करा जाता है, और कई केसेस में तो ब्राइड्स को ससुराल वाले ब्राइड का मर्डर भी कर देते हैं अगर ब्राइड की फैमिली डाउरी नहीं दे पाती है तो। अभी भी ये डाउरी के केसेस आते रहते हैं, हालांकि 1961 में डाउरी प्रोहिबिट हो गई थी, डाउरी लेना और देना बंद कर दिया गया था। उसके बाद भी डाउरी केसेस आते रहे तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मीनिंग होता है ऑफिशियल चेंज। 1981 में डाउरी लेना और देना पनिशेबल ऑफेंस माना गया। पनिशेबल ऑफेंस मतलब जो डाउरी लेगा और देगा उसे जेल हो जाएगी। और 1986 में एक और अमेंडमेंट किया गया कि अगर जो डाउरी लेगा और देगा उसे 5 साल की जेल हो जाएगी, उन्हें 15,000 रुपीज़ का फ़ाइन देना होगा या डाउरी का अमाउंट, दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा होगी वो देनी पड़ेगी, या तो 15,000 रुपीज़ या डाउरी का अमाउंट। तो हम कह सकते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डाउरी सिस्टम बंद हो गया। हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहां हमें कुछ रूल्स और लॉज की ज़रूरत पड़ती है और वो लॉज सभी को एक्सेप्टेबल हों।
किसी भी कंट्री में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो सभी लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। वो लोग अलग अलग ग्रुप्स के भी हो सकते हैं। वो बेसिक रूल्स हम कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में लिखते हैं। ये बेसिक रूल्स राइटिंग में भी हो सकते हैं या ओरल में भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री गवर्न होती है या वो कंट्री चलाई जाती है। और ये रूल्स सारे सिटीजन्स को एक्सेप्टेबल होते हैं और अच्छी सोसाइटी बनाने में हेल्प करते हैं। ये कंट्री का सबसे बड़ा लॉ होता है। स्टेट का लेजिस्लेशन या स्टेट्स के रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि लोगों की डिज़ायर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का टाइप बताती है। साथ ही साथ और कुछ आइडल्स भी होते हैं जो कंट्री को अपहोल्ड करके रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर बताता है। पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में जो पावर होती है उसको मिसयूज़ करने से भी रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटी ग्रुप को मेजॉरिटी ग्रुप के डोमिनेंस से बचाता है, या हम कह सकते हैं मेजॉरिटी ग्रुप का डोमिनेंस रोकता है माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर। सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और गारंटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल ऑफ लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए लॉ के रूल बनाए। बेसिक फॉर्म में हम कह सकते हैं लॉ के ऊपर कोई भी नहीं होता है। ऐसे लोग जिनके पास पावर है या स्टेट में डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, वो हमेशा लॉ के द्वारा ही गाइड किए जाएं और उन्हें लॉ के बिना काम नहीं करना चाहिए। इंडियन सिटीजन्स हमेशा लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड होने चाहिए और सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। इस तरह पावर का मिसयूज़ नहीं हो पाएगा और पावर रिलेशनशिप का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजिटिमेसी ऑफ लॉ। लेजिटिमेसी का मतलब होता है जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि वो लॉ बना सके। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को लीगल करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम, मतलब बहुत सारे एम में से एक एम है कि सोशल इक्वालिटी रहे, और ये इंडिपेंडेंस के बाद आर्टिकल 17 में बताया गया, जिसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश मतलब समाप्त कर दिया और उसे पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया 1955 में। इस एक्ट के अंदर अनटचेबिलिटी के बेसिस पर कोई भी चीज़ ऑफेंस डिक्लेयर करी जाएगी। ऑफेंस मतलब पनिशेबल ऑफेंस, जैसे कि वर्शिप प्लेसेस पर किसी भी व्यक्ति को जाने से रोकना, स्कूल में एडमिशन लेने से रोकना, हॉस्पिटल जाने से रोकना, पानी के सोर्सेस को यूज़ करने से रोकना, ये सारी चीज़ें ऑफेंस में आती हैं और इन सारे ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है। अनटचेबिलिटी एक्ट को अमेंडमेंट किया गया 1976 में। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को अगर कहीं किया गया तो उसे एक या दो साल की जेल हो जाती है, और इस एक्ट की हेल्प से अनटचेबिलिटी को बंद करा गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश ने डिसाइड करा कि वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। हालांकि मोतीलाल नेहरू और दूसरे 8 कांग्रेस लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया 1928 में। कांग्रेस ने 1931 में कराची सेशन के टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स डिस्कस करे, और फिर कुछ बेसिक वैल्यूज़ एक्सेप्ट की गई, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, और प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद डोमिनेट कर रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वुमेन मेंबर्स सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित थीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी बने। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल ड्राफ्ट मॉडिफाई हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को अप्रूव किया, पर यह 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में आया। इसलिए इस दिन को हम रिपब्लिक डे मानते हैं, जो कि 26 जनवरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स मानते थे कि हर एक पर्सन की डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स और वेलफेयर इस्टेब्लिश होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर ने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का विजन प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होता है, या हम कह सकते हैं प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के विजन का रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग में है। इसमें अथॉरिटी के सोर्स, गवर्नमेंट का सिस्टम, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल सिस्टम की ऑब्जेक्टिव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट और अडॉप्शन डेट है। 1976 के 42 अमेंडमेंट से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड किए गए प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने और इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रीएम्बल की पहली और लास्ट लाइन बताती है कि इंडिया के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को खुद से अपना रहे हैं। ये बताता है कि वो डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं। प्रीएम्बल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आइडिया को प्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल पॉइंट से भी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी बताती है, जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी भी है। डेमोक्रेसी के हर फॉर्म में पीपल का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मॉडल अपनाया। हर एक ऑफिस के लिए इलेक्शन होते हैं, कंट्री के हेड के लिए भी। प्रीएम्बल सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बताता है। हर एक अडल्ट सिटीज़न को वोट देने की पावर है। सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में टैकल किया जाता है ताकि सोशल डेमोक्रेसी रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्टिस। जैसे कि प्रीएम्बल में बताया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर करता है सभी के लिए। सोशल जस्टिस मतलब बर्थ, कास्ट, रेस, सेक्स और रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, इसमें एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ सभी को दी जाती है। पॉलिटिकल जस्टिस, स्टेट के अफेयर्स में हर एक पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिबर्टी। डेमोक्रेसी में बहुत लिबर्टी है, हर एक पर्सन को फ्री और सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस के लिए मिनिमम राइट्स दिए गए हैं। इसी को हम राइट टू फ्रीडम बोलते हैं, पर राइट टू फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी
भी एक ऑब्जेक्टिव है। इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे लोगों के लिए सोसाइटी में। इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट माना गया है। इक्वालिटी से रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो रिमूव हो जाता है। लॉ के सामने सारे सिटीजन्स बराबर हैं और लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करता है सबको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैटर्निटी, जिसका मतलब है फ्रेंडशिप की फीलिंग। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, इसलिए यहाँ पर ब्रदरहुड फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सारे लोगों के बीच में यूनिटी का सेंस आता है और इंटेग्रिटी ऑफ नेशन बनता है। फ्रैटर्निटी भी सभी को बराबर राइट्स देने से इम्प्लीमेंट होगी। फ्रैटर्निटी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रिजर्व और रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, और ये डिग्निटी हर एक इंडिविजुअल को जस्टिफिएबल राइट्स देने से मिलेगी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल को ये राइट देता है। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। स्टेट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सारे सिटीजन्स को लाइवलीहुड के मींस प्रोवाइड करता है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे सिटीजन्स डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहें। अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया था ताकि एक इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलिज्म। सोशलिज्म टर्म हमारे प्रीएम्बल में 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इंट्रोड्यूस हुई। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं थी। इंडिया में सोशलिज्म, इंडिया के लिए सोशलिज्म का मीनिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी है। इसका एम रिच और पुअर के बीच के गैप को भरना है, पुअर की परेशानियों को ख़त्म करना। ये इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों चाहता है। नेक्स्ट टॉपिक है की फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ प्रोविजंस दूसरी कंट्रीज से भी लिए हैं, जैसे कि फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मीनिंग गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा टायर्स बना देना। इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया। इंडिया में गवर्नमेंट के दो लेबल हैं, पहला सेंट्रल और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड पंचायती राज। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, उसके फंक्शंस और पावर्स सब डिफाइन करे जाते हैं, जिससे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स नहीं ले सकती बिना उनसे पूछे। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स थ्री लिस्ट के बेसिस पर डिवाइड करे हैं। टैक्सेस का डिवीजन भी इन लिस्ट में है। दोनों गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में ऑपरेट होते हैं। यहाँ पर आपको तीन लिस्ट दिख रही होंगी, पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है, जैसे कि फाइनेंस एंड फॉरेन रिलेशंस, और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, जैसे कि हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉज बना सकती है। पर अगर कोई क्लैशिंग होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने पार्लियामेंट फॉर्म ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टेट का हेड मोनार्क या प्रेसिडेंट हो सकता है, हालांकि उनकी पोजीशंस सेरेमनी पे डिपेंड होगी। ऐसे सिस्टम में रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के पास होती है, और ये कैबिनेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। इस सिस्टम में अलग अलग ग्रुप के लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होते हैं यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स प्रोवाइड करता है, पहला द एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और थर्ड है
जुडिशरी, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव इन लॉज को इन्फोर्स करता है और जुडिशरी इन लॉज को फॉलो ना करने से जो सिचुएशन आती है उसे डील करता है। ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पर चेक हैं और पावर के यूज़ को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ये राइट्स सेक्युलरिज्म का आइडिया, सोशलिज्म, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर और एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सारे सिटीजन्स के लिए इंश्योर करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इरिश से अडॉप्ट की है। ये वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये गुड गवर्नेंस का बेस माना जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते टाइम ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। इन प्रिंसिपल का एम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना है और ये जस्टिस सारे लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज़ देकर इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि स्टेटस में और इनकम में जो इनइक्वालिटी है वो एलिमिनेट हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलर टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड हुई, जब हमें रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में सेक्युलरिज्म के बेसिस पर ही फ्रेटर्निटी और यूनिटी बनाई जा सकती है। सेक्युलरिज्म का मीनिंग रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, वो कोई भी रिलीजन के क्यों ना हो। सभी को फेथ, वर्शिप और बिलीफ का फ्रीडम है। स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा और कोई भी स्टेट रिलीजन बेस्ड नहीं होगा और पॉलिटिकल एंड्स के लिए रिलीजियस मैनिपुलेशन प्रोहिबिटेड है, यानी कि बैन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है। रिजिड का मीनिंग जो चेंज नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। अगर सोसाइटी के लिए चेंज करने के लिए ज़रूरत है तो हमारे लॉज अमेंड हो सकते हैं, अमेंड यानी कि चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब ये लिविंग डॉक्यूमेंट है जो लिविंग बीइंग की तरह है, जैसे टाइम टू टाइम जो सिचुएशंस आती हैं वैसा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी आइडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल चेंज और वेलफेयर का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंटिन्यू रहेगा।